कैसे हो भाई लोग। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अपार्टमेंट हाइस्ट कैसे शुरू करते हैं। जैसा कि इसका नाम ही है अपार्टमेंट हाइस्ट, इस हाइस्ट को शुरू करने के लिए आपके पास हाई एंड अपार्टमेंट होना आवश्यक है। इसके अलावा आप एक और खर्चा कर लीजिएगा, आप एक आर्बर्ट कुरुमा खरीद लीजिएगा, जो कि आप इसका पहला हाइस्ट फ्लिका जॉब कंप्लीट करने के बाद भी खरीद सकते हो, क्योंकि फ्लिका जॉब कंप्लीट करने के बाद कुरुमा का ट्रेड प्राइस अनलॉक हो जाता है, तो कुछ लाख बचेंगे आपके। अगर पैसों की चिंता नहीं है आपको तो ये पहले ही खरीद लीजिएगा। ये छोटी सी जुगनू गाड़ी गेम के अंत तक आपका पूरा साथ निभाएगा, आपका दिल जीत लेगा, किसी भी मिशन में ये आपको निराश नहीं करेगा। अब आते हैं वापस हम अपार्टमेंट पर। सबसे सस्ता हाई एंड अपार्टमेंट 2 लाख का आता है, जिसे कि आप अपने फोन में इंटरनेट में जाकर डायनेस्टी 8 प्रॉपर्टी लिस्टिंग वाली वेबसाइट में खरीद पाओगे। यहाँ फिल्टर लगा लीजिएगा हाई एंड। अब बहुत नीचे आप आइएगा तो यहाँ पर फ्री और सस्ते अपार्टमेंट भी हैं, लेकिन ये हाई एंड के नाम पर चूना लगाने वाले अपार्टमेंट हैं। आपको सबसे सस्ता हाई एंड 2,07,000 का, जो ये डेल प्योर वाला दिख रहा है, यही है। इससे सस्ता कोई नहीं है, क्योंकि उन अपार्टमेंट में आप हाइट शुरू नहीं कर पाओगे, तो क्या मतलब वो अपार्टमेंट लेकर। अब 2 लाख से लेकर 1 मिलियन तक अपार्टमेंट आते हैं सारे। इनमें से कौन सा खरीदना है ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने तो अपने पास डेल प्योरो वाला ही रखा है, आप चाहे तो अपने बजट के अकॉर्डिंग 1 मिलियन वाला भी खरीद लेना। अब अपार्टमेंट आ गई आपके पास, अब चलते हैं अपार्टमेंट के अंदर। अंदर का एरिया सभी अपार्टमेंट का अलग अलग होता है। मेरे इस डेल प्योरो वाले में ऐसा है, और ये यहाँ दरवाजा से घुसते ही बाएं तरफ यहाँ इस तरफ जो रूम है ये है हाइस्ट रूम। आपका वाला जो कोई भी अपार्टमेंट रहेगा वहाँ पर भी इस टाइप का एक रूम होगा, उस रूम को आप ढूंढ ही लोगे। और इस रूम में जो बोर्ड है, इस बोर्ड को एक्सेस करते हुए आप अपार्टमेंट हाइस्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पहला हाइस्ट फ्लिका जॉब से शुरू करना होता है। इस हाइस्ट में 2 प्लेयर की जरूरत होती है, और इसके अलावा बाकी और जो 4 हाइस्ट हैं, इन ससुरों को करने के लिए आप सभी 4 प्लेयर होना आवश्यक है। इन नामुरादों के प्रेप करने के लिए भी पूरे 4 प्लेयर चाहिए आपको। और एक बात बता दूं कि पैसा कमाने के जितने भी तरीके हैं GTA में, उन सभी में टॉप 20 के लिस्ट में भी ये अपार्टमेंट वाला हाइस्ट नहीं आ सकता। तो आप ये सोचकर इस हाइस्ट को शुरू कभी मत करिएगा कि मुझे ये हाइस्ट करने के बाद पैसा वगैरह मिलेगा, तो ना। आप ये जान लो कि इस हाइस्ट को करके पैसे तो आपको बस कुछ चिल्लर लाख ही मिलने वाले हैं, उससे कहीं ज्यादा आप गोलियां चला दोगे ओवरऑल पूरा प्रेप प्लस फिनाले में। लेकिन फिर भी आपने इस हाइस्ट को जरूर करना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि पैसे का क्या हम अचार डालेंगे, हम साथ में घर ले आएंगे? पैसे कमाने के तो GTA में और भी तरीके हैं, लेकिन इस अपार्टमेंट हाइस्ट का जो गेम प्ले है वो आपको GTA का असली मजा दिला देगा। ये खेल के आपको मजा आ जाएगा। बस कभी कदार कुछ बग्स ग्लिच हो जाता है, कांड हो जाता है, इसलिए इनमें से कुछ हाइस्ट को, खास करके प्रिजन ब्रेक हाइस्ट को, थोड़ा सा शापित हाइस्ट भी बोला जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद आप इसे जरूर खेलिएगा, ये टोटली इसके वर्थ होगा। और कोशिश करिएगा कि आप किसी रैंडम प्लेयर के साथ ना खेलो, क्योंकि रैंडम प्लेयर के साथ ही सारे कांड होते हैं। आप कुछ दोस्त बना लीजिएगा जिनके साथ आप बातचीत करते हुए खेल पाओ, और उनके साथ खेलिएगा आप। अगर साथ खेलने को दोस्त नहीं मिल रहे हैं आपको, तो आप हमारा पेड वाला डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो भाई लोग, पहले ही एक चीज क्लियर कर दूं कि आप ज्वाइन होते ही कहिएगा कि मैं आया हूं इधर अपार्टमेंट हाइस्ट करने को, आओ मुझे करवाओ अपार्टमेंट हाइस्ट, तो लोग बोलेंगे भूखा गेला भाऊ, दूर न पाऊ, हाथ न कलाऊ। मतलब इस तरह दोस्त मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसके बजाय आप सर्वर ज्वाइन करिए, वॉइस चैट ज्वाइन करिए, दोस्त बनाइए, उनके साथ कुछ टाइम खेलिए, फिर आप उन्हें बोलेंगे तब वो दोस्त होने के नाते इनकार भी नहीं करेंगे। देखिए, जो भी है सर्वर में सब गेम खेलने के लिए ही है वहाँ, मोस्टली उनमें सभी GTA ही खेलते हैं, तो आपके साथ खेलने में भला उन्हें क्या दिक्कत होगा। सब लोग एक दूसरे की हेल्प खुशी खुशी करते हैं। बस हमें अपना अप्रोच सही रखना है, किसी से हेल्प मांगने से पहले उन्हें हेल्प करना है, उनका दिल जीत लेना है, उनके मन में अपने प्रति एक अच्छा इमेज तैयार कर लेना है, ताकि जब हम हेल्प मांगे उनसे तो वो इनकार नहीं कर पाए, खुशी खुशी तैयार हो जाए। और अगर कहीं कुछ अटकता है तो उस केस में तो मैं हूँ ही। और ये जो 5 हाइस्ट है, इन 5 हाइस्ट का क्विक गाइड का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ये वीडियो अपलोड होते ही अभी आप इसे देख रहे हो, तो हो सकता है अभी ये प्लेलिस्ट पूरा कंप्लीट ना हुआ हो, लेकिन 2-4-5 दिनों में पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगा, जिसे कि आप एंड स्क्रीन के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख सकते हो। तो यही था भाई लोग एक छोटा सा वीडियो अपार्टमेंट हाइस्ट शुरू कैसे किया जाए इसके ऊपर। आशा करता हूँ ये वीडियो न्यू प्लेयर के कुछ काम आ जाए। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब शाम वगैरह में लाइव स्ट्रीम भी किया करूंगा, तो प्लीज सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो ठीक है भाई लोग, मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में।